अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। सुबह बखैर। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि सगुला या सेफ्टी इंडक्शन क्या, कब और कैसे होती है, इस पर तफसील से बात करेंगे। सगुला या सेफ्टी इंडक्शन का मतलब है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह काम के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी भी दोस्त या किसी भी अपने बॉस के रेफरेंस से आप डॉक्यूमेंट्स कंपनी में जमा कराते हैं। जब कंपनी को किसी वर्कर की ज़रूरत होती है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर कंपनी के हवाले कर देते हैं कि ये बंदा है, इसको काम चाहिए, ये जो भी यानी कि उनको ज़रूरत होती है वर्कर की, कारीगर की, हेल्पर की, किसी भी चीज़ की, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स कंपनी आगे सेफ्टी वालों के पास भेज देती है कि ये बंदे हैं कि हमारे स्कूल के लिए जो आपने अपने PDF फाइल वगैरह जो सेंड की होती हैं अपने बॉस वगैरह को या कंपनी को किसी दोस्त के रेफरेंस से, तो जब आप स्कूले के लिए आपको बुलाया जाता है कि जैसे मंडे को या फ्राइडे को आपको स्कूला है, किसी का सुबह 10 बजे होता है, किसी का दिन को 3 बजे होता है, जब भी हो वो आपको टाइमिंग और वक्त और दिन बताएंगे, तो उसके हवाले से जब आप स्कूले के लिए जाएँ तो अपना पहले तो आपने PDF फाइल दी होती हैं, फिर उनका प्रिंट भी निकलवा लिया जाए, प्रिंट भी साथ लेके और डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी आपके पास होने चाहिए जिनके ऊपर आपने काम अप्लाई किया है, जॉब अप्लाई की है। अगर ये आपके पास ओरिजिनल मौजूद नहीं होंगे, अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट है ओरिजिनल, तो आपको बिल्कुल भी स्कूले के लिए नहीं बुलाएंगे वो। अगर वैसे ही अगर कोई है सिस्टम, कोई टेम्परेरी काम का कोई और सिस्टम, तो जहाँ कापियाँ वगैरह चल जाती हों तो वहाँ हो सकता है, तो इसके बारे में मैं कुछ कन्फर्म कह नहीं सकता, लेकिन जो सही तरीका यही है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को उसके प्रिंट वगैरह निकला के फिर जाते हैं, फिर जाके जब आपकी कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स सेफ्टी वालों के पास भेजती है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि क्या वाकई असली हैं, ओरिजिनल हैं, कोई मसला मसाइल तो नहीं है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। जब आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाते हैं तो वो आपके बॉस को बता देते हैं कि फ़लाँ दिन इंडक्शन होगी। इंडक्शन का मतलब है सेफ्टी मीटिंग होती है, उसमें आपकी सेफ्टी के हवाले से बातें बताई जाती हैं, लेक्चर होता है, के लिए कुछ फ़र्ज़ी वीडियोज़ और तस्वीर वगैरह होती हैं जिनसे नुकसान हो रहे होते हैं, कोई क्रेन से सामान गिर गया जिससे किसी की कोई जान को ख़तरा हो सकता है, या कोई सीढ़ी के ऊपर से स्लिप हो गया, या इस तरह के मज़ीद कोई नुकसान आते, तो जो इनका मकसद सिर्फ होता है वो आपको दिखाना और समझाना कि आप ये गलतियां ना करें वरना आपके साथ भी ये नुकसान हो सकता है। कहाँ पे ये 1 घंटा या आधे घंटे की मीटिंग होती है, कहीं कहीं पर ये 3 से 4 घंटे तक भी चली जाती है, तो उसके बाद वो हेलमेट के ऊपर स्टिकर लगाएँगे जहाँ के आपका नाम, इंडक्शन की डेट और कंपनी का नाम वगैरह लिखा होगा, और आपको गेट पास वगैरह देंगे, तो उसके बाद यानी कि आप काम पे इंटर हो सकते हैं। ये था सकूला, यहाँ इसको मलेशियन ज़बान में सकूला बोलते हैं, और सेफ्टी इंडक्शन, इसके बाद आप काम पे इंटर हो सकते हैं, इससे पहले आप काम पे इंटर नहीं हो सकते। ये यहाँ मलेशिया का कंस्ट्रक्शन फील्ड का आपको मैं बता रहा हूँ, दूसरी फील्ड का ना मैंने कभी काम किया है ना मुझे उसके बारे में कोई इलम है, जैसे सेक्टर सर्विस हो गया, होटल लाइन, इनमें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई शायद सकूला होता होगा इसमें, क्योंकि सेफ्टी के इतने कोई मसाइल वगैरह कोई होते नहीं हैं। तो इस तरह से तो ये था सकूला या सेफ्टी इंडक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।